हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ ढाबा स्टाइल दाल फ्राई की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जहां हम लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही टेस्टी होगी और बहुत ही ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने एक कटोरी अरहर की दाल, तुअर दाल भी कहते हैं जिसे, और 1/4 कटोरी मूंग की दाल। दोनों दालों को मिला करके धो लेंगे। दाल को बहुत अच्छी तरीके से 2-3 बार पानी से धो लीजिए, पानी बदल लीजिए। और मैंने अब धोने के बाद इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है और इसे आधा घंटा भिगो दिया था। अब दाल को हम कुकर में डाल रहे हैं। दाल को भिगोना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखें। और दाल जितनी हमने ली थी उसका 2.5 गुना पानी हम कुकर में डाल देंगे। और साथ में डाल रहे हैं नमक और हल्दी। दाल को बॉईल करने के लिए कुकर में रखा है और कुकर का ढक्कन लगा दिया है। अब इसमें 2 सीटी आने तक गैस पर रहेगी ये, और जब 2 सीटी निकल जाएं तब आप गैस को बंद कर दीजिए और 15 मिनट बाद कुकर को खोलेंगे। देखिए दाल पक चुकी है, बहुत ज़्यादा पकानी नहीं है, दाने खड़े रहें, क्योंकि दाल फ्राई होती है वो बिल्कुल मैश दाल से नहीं बनती है। यहाँ मैंने कढ़ाई में घी डाला है। घी गर्म होने के बाद जीरा, थोड़ी सी सरसों के दाने जो चटक रहे हैं, और इसमें डाल रहे हैं हम कड़ी पत्ता। फ्रेश कड़ी पत्ता है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। थोड़ी सी हींग और टमाटर। यहाँ मैं डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। हम पहले भी हल्दी और नमक डाल चुके हैं, लेकिन यहाँ मसाले में भी थोड़ा सा डाल रहे हैं, जिससे कि बिल्कुल एक जैसी मिक्स करते समय एक जैसी दाल हो जाए। मसाले को भूनेंगे। यदि आप प्याज और लहसुन खाते हैं तो आप टमाटर से पहले उसे भी डाल करके भून लीजिए। यहाँ टमाटर गल चुका है, थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। बॉयल आ चुका है पानी के अंदर। अब हम डालेंगे दाल। हमने दाल में कम पानी लिया था, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें पानी पहले ही डाल के बॉईल कर लिया था और दाल मिक्स कर दी है। दाल में हम डाल रहे हैं 1 चम्मच गरम मसाला। दाल फ्राई बना रहे हैं ढाबा स्टाइल, तो गरम मसाला बहुत ज़रूरी है, जिसे आप लास्ट में डालेंगे। दाल में बॉयल आ गया है, अच्छी तरीके से मसाला मिक्स हो चुका है दाल के अंदर, और हमारी बिल्कुल दाल बनके तैयार हो गई है। हम इसके लिए अब तड़का तैयार करते हैं। तो मैंने एक पैन रख दिया है गैस पर, जिसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच घी। जब दाल फ्राई बन रही है तो घी तो ज़्यादा डलता ही है। जो स्पेशलिटी है दाल फ्राई की वो घी ही है। यहाँ हमने दाल में थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, और यहाँ डाल रहे हैं हम बड़ी साबुत लाल मिर्च और थोड़ी सी देगी मिर्च, क्योंकि और मसाले हम पहले डाल चुके हैं और ऊपर से तड़का दिया है। वाओ, क्या रंग आया है, ज़बरदस्त लग रही है दाल। दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी रेसिपी है। और जो मन में रहता है, जाएं हम ढाबा पर और हम ये दाल खाएं, तो क्या सोचना, बनाइए घर पर। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी दाल फ्राई। इसे आप नान से, चपाती से, जिससे भी खाना चाहते हैं आप बनाइए और इसे सर्व कीजिए। बिल्कुल तैयार हमारी ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। दोस्तों, अगली वीडियो के आने तक के लिए बाय बाय।